इकोना जगजीत इंटर कॉलेज इकोना के सामने मंगलवार को बौद्ध परिपथ सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान एवं कोविड 19 बचाव संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाहन से आते जाते वाहन चालकों एवं छात्रों को यातायात के नियमों की जानकारी कराते हुए उन्हें यातायात पंपलेट वितरित किए गए। श्रावस्ती जवान एसोसिएशन एवं यातायात सड़क सुरक्षा जागरूकता की संयुक्त टीम ने जगजीत इंटर कॉलेज के सामने वाहनों को रोक कर बाइक चालकों को यातायात के नियमों का पालन कराते हुए पंपलेट वितरित किए गए। जगजीत इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भुदेश्वर पांडे ने छात्रों को वाहन चलाने के लिए हेलमेट एवं उसके संकेतों का पालन करने के लिए पंपलेट देकर जानकारी कराई गई। कोविड 19 से बचाव के लिए मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार दीक्षित ने यातायात नियमों के संबंध में आते जाते वाहन चालकों को रोककर दो चार पहिया वाहन चालक को हेलमेट सीट बेल्ट लगाकर ही चलने को बताया गया। बाइक पर दो सवारी से अधिक बैठ कर न चलाने का सुझाव दिया और चार पहिया वाहन पर सदर सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए बताया गया तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने यह भी कहा कि तहसील इकोना से महामाया राजकीय विद्यालय बौद्ध परिपथ पर आए दिन दुर्घटना हो रही थी, लेकिन नवरात्र की नवमी के दिन नारायणपुर गांव के सामने बौद्ध परिपथ पर दर्जनों लोगों के साथ पूजा पाठ व हवन करके 1 किलोमीटर तक जल का छिड़काव किया गया, जिसके कारण आज तक 1 महीने पूरे हो रहे हैं इस क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। पूजा पाठ से जितने भी आत्माएं भटक रही थी इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे इलाके में जा चुकी हैं। श्रावस्ती यातायात निरीक्षक राजीव कुमार मिश्र ने वाहन चालक व स्कूली छात्र छात्राओं को वाहन की गति सीमा अधिक से तेज वाहन न चलाएं, बिना संकेत दिए वाहन को बाएं दाहिने न मोड़े, वाहनों का नंबर प्लेट मानक के अनुरूप होना चाहिए जिसे सड़क दुर्घटना होने से खुद को या परिवार के सदस्यों तक पहुँचती है, जिसे पूरे देश में बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रावस्ती जवान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हसन खान सूफी ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बौद्ध परिपथ सड़क पर वाहन चलाते वक्त सावधानी बरते, घुमंतू जानवर अचानक तेज वाहन चलाते समय वाहन के सामने आ सकते हैं, आदमी और जानवर सड़क पार करते हुए मिलने पर कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, ऐसे में वाहनों को धीमी गति से चलाने पर दुर्घटना से बचा जा सकता है। यातायात के दौरान सड़क दुर्घटना से बचने के लिए मुसाफिरों के जीवन को बचाते हुए एयरफोन व मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। इस मौके पर प्रभाकर सिंह, अख्तर अहमद, साहिल, हसमत हुसैन सहित यातायात के पुलिसकर्मी एवं श्रावस्ती जवान एसोसिएशन के कार्यकर्ता उपस्थित रहकर वाहन चालक व छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे थे। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि वाहन चालक यातायात नियमों की पहले जानकारी करें। सड़कों पर जब गाड़ी लेकर चलते हैं तो यातायात नियमों की जानकारी के अनुसार ही गाड़ी लेकर चलें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। मेरा यही प्रयास है कि दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, हमारे और आपके प्रयास से, सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं में कुछ कमी आए, इससे देश का बहुत लाभ हो रहा है। धन्यवाद।